अगर आपने हमारे चैनल टेलिंग इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑन कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। हमारी ये बुकरम है, इसकी लंबाई है 12.5 और इसकी चौड़ाई है 12। बुकरम को हम डबल करेंगे। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। एक इंच हम यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे। आधा इंच हम यहाँ पे बुकरम की चौड़ाई लेंगे। अभी हमारा अंदर वाला गला है और इसको हम इसके ऊपर से लगाएंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। अब गले को हम बराबर करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे बीच में। ऐसे हमारा ये पीछे का पल्लर है तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। यहाँ पे एक पिल लगा लेंगे। अब बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे जहाँ पे हमारी गोलाई है। अब इसको अंदर के साथ दबा के सिलाई लगाएंगे। अब हमने ये टुकड़े किए हैं, इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच की है, चौड़ाई भी 1.5 इंच की है। अब इसको भी तैयार करेंगे हम। अब यहाँ पे एक पिल लगा लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब एक चौकुटे कपड़े पे हम ये गले को रखेंगे और बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच के कपड़े की कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे कितना कपड़ा छोड़ा है, आधा इंच से ज़्यादा कपड़ा है। इसी तरीके से अब इसको सीधा करके हमें सिलाई लगानी है। अभी हमने सिलाई लगा ली, अब यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे। अब इसको भी डबल करके बीच में निशान लगाना है। अब इसके ऊपर हम कच्ची करेंगे पहले। दूसरी साइड भी इसी तरीके से कच्ची करेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड दबा के सुई की मदद से इसको दबा देंगे तरीके से। ये बन गई हमारे ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।